मित्रों दीपावली आ रही है। दीपावली के दिन हर व्यक्ति अपने घर में गणेश लक्ष्मी की पूजन करता है। इस पूजन को पंडित जी द्वारा भी लोग करवाते हैं। जब इस पूजन को करवाया जाता है तो उस वक्त में लगन का विशेष महत्व रहता है। लोग स्थिर लग्न में ही अपने लक्ष्मी गणेश की पूजा किया करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लगन पूजन को करवा के आदमी ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर ली और मेरा साल बड़ा अच्छे से निकलेगा, मगर इसमें भी एक बहुत बड़ी भूल होती है जो पंडित द्वारा भी की जाती है और करवाने वाले के द्वारा भी की जाती है। इस दिवाली पूजन में चार स्थिर लग्न होते हैं, बाकी के जो लग्न दो लग्न और अस्थिर होते हैं। तो जो स्थिर लग्न होता है उसमें पूजा होती है। स्थिर लग्न में सबसे पहले वृश्चिक लग्न, उसके बाद कुंभ लग्न, उसके बाद में वृश्चिक लग्न, उसके बाद सिंह लग्न, ये चार लग्न अलग अलग प्रकार से आते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि लग्न जब हो, जिस लग्न में पूजा किया जाए उसमें वो स्थिर तो व्यापार जरूर रहता है, मगर साथ साथ में उस लग्न में जिसमें आपने पूजा की अगर उसमें किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव हो, अगर सूर्य खराब हो उस लग्न के लिए, मंगल खराब हो और अगर शनि खराब है, राहु केतु खराब है, तो ऐसी स्थिति में इन बुरे ग्रहों का प्रभाव भी उस लग्न पे पड़ता है और अच्छे ग्रहों के फल के साथ साथ हमें बुरे ग्रहों के फल को भी भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर में आप अगर समझदारी रखते हैं और आप चाहते हैं कि वर्ष भर उस बुरे ग्रहों का प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले अपने पंडित जी द्वारा लग्न पे जो ग्रह है उनके दोष को मुक्त करें, और उस दोष को मुक्त करने के लिए जो भी दान करना है, दक्षिणा देनी है या किसी भी तरीके का उपाय करना है वो तत्क्षण करें। जैसे ही आपने पूजा करवाई उठते ही उस लग्न के दोष को निवारण करें। लग्न दोष जो है उसके साथ साथ आपने जिस नाम से पूजा कराई है उस राशि में भी अगर किसी प्रकार का दोष है, उसमें भी अगर पांच बुरे ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह प्रभावित करता है, तो ऐसे ग्रहों की शांति करवाना जरूरी होता है। और जैसे जैसे इसकी शांति कराते हैं तो वर्ष भर आप बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और अच्छे ग्रह आपको व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति देते हैं। अब राशि में भी यही बात है, अगर आपकी राशि में दोष है, आपने लग्न अच्छी तरीके से पूजा करवा ली, तो आपको फिर भी इस पूजा का प्रतिफल पूरा नहीं मिलता है। इसमें नौसिखिए पंडितों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो किसी से पढ़ के आ जाते हैं कि चार स्थिर लग्न में पूजा करानी है, मन मा के पैसा लेते हैं, दक्षिणा लेकर के आपके यहाँ पूजा करवा कर चले जाते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि यजमान 12 महीने तक इसके लिए तकलीफ आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं सावधान रहें, अपने पंडित से पहले अपने लिए जो अच्छा लग्न है वो पूछे, फिर अपनी राशि के बारे में पूछे कि इस समय गोचर में राशि की क्या स्थिति है और उसका क्या दान करवाने से अच्छा रहेगा, दूसरा लग्न में क्या दोष है, उस लग्न दोष के निवारण हेतु क्या उपाय करने चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए या व्यापार के स्थान पर उसके लिए कौन से यंत्र को स्थापित करना चाहिए। इन सारे चीज़ों की सावधानी को रखते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें, इससे आपके व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति होगी और आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने चार लग्न का चित्र दिया है, उन लग्नों को की कुंडलियों को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन कौन से लग्न में आपने पूजा कराई और उनसे कौन कौन सा दोष निकलता है। तो इन लग्नों को समझें और इसके हिसाब से अपने दोष का निवारण कर अपनी पूजा को सफल बनाएं। धन्यवाद। अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।